तो दोस्तों अगर हम बात करें रियलमी यू आई के अपडेट के बारे में रियलमी 3 एंड रियलमी 3 आई के लिए, तो इसमें कुछ फ़ोन्स में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लोगों को 8.27 वाला अपडेट मिलने के बाद ही उन्हें अपडेट नहीं मिला है। तो जैसा कि मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुल पे टैप करने के बाद, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद भी यहाँ पर फिर से आपको बैक कर दे रहा है, मतलब 8.27 वाला फिर से वर्जन शो कर दे रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ फ़ोन पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनको अपडेट मिल चुका है, 1825 मॉडल है, FE.03 वाला वर्जन इन्हें मिल चुका है। और उसके बाद जिन्हें अपडेट नहीं मिला है उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है, मैंने एक वीडियो में कल बताया था आप लोगों को, आप उसे देख करके कर सकते हैं वैसा कुछ। और नहीं तो आप यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन में, जैसा कुछ हो रहा है आपके फ़ोन में तो आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए, यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है, आई एम रियलमी 3 यूजर, आई एम अल्फा सिलेक्टेड रियलमी UI बीटा वर्जन, बट आई डिडंट गेट एनी UI अपडेट इन माई फोन, प्लीज फी दिस वीडियो एंड गिव मी एनी सॉल्यूशन। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लोगों को टैग कर दीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर माधव फेड को टैग कर दीजिए, और उसके बाद कुछ ऐसे रियलमी सपोर्ट को टैग कर दीजिए। आपको फिर मैसेज आएगा रियलमी की तरफ से, आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए रियलमी को, और उसके बाद फ्रांसिस बेन को कर दीजिए, कुछ लोगों को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, जो जो लोग रियलमी से जुड़े हैं उनके पास ये मैसेज कर दीजिए। आप यहाँ पर जैसे इन लोगों को मैंने टैग कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्वीट कर दूंगा, ट्वीट करने के बाद मैं अपने ट्विटर पर चेक कर ले रहा हूँ ये ट्वीट हो जाएगा। ट्वीट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका अपलोड हो चुका है, जब वो लोग देखेंगे आपके फ़ोन के इस वीडियो को, फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा रियलमी के तरफ से। और उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं रियलमी इंडिया वाले को, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं रियलमी इंडिया सपोर्ट को, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो क्लिप भेज दीजिए रियलमी इंडिया सपोर्ट को, उसके बाद वो आपको सॉल्यूशन कुछ तो ज़रूर देगा। बता दीजिए मैं रियलमी UI का सिलेक्टेड यूजर हूँ और मुझे ये अपडेट नहीं मिला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्वीट कर दिया है। और उसके बाद ये लोग जब इसे देखेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ प्रोसेस है, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था वो प्रोसेस लगभग 30% वर्क कर रहा है, कुछ लोगों को ऐसा करने से मिल भी गया। तो आप ज़रूर से ट्राई करें उसे, इस प्रॉब्लम से काफ़ी लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ लोगों को अपडेट मिल भी चुका है, जैसा कि रियलमी 3 का स्क्रीनशॉट मैं दिखा दे रहा हूँ, 1825 मॉडल 3.03 वाला वर्जन इन्हें मिल गया है। और यहाँ पर देख लीजिए इसको भी, ये रियलमी 3 आई का स्क्रीनशॉट है। तो कुछ लोगों को अपडेट मिल चुका है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आप ऐसा कर सकते हैं, फिर देखिए आपको क्या सोल्यूशन मिलता है या क्या रिप्लाई मिलता है। अगर आपको बीटा अपडेट नहीं मिलता है तो आपको स्टेबल अपडेट मिलेगा ही, स्टेबल अपडेट शुरू हो जाएगा आपके फ़ोन में लगभग 16 या 17 तारीख के बाद से, फिर आप वहाँ पे मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको OTA के थ्रू मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।